नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा की विसंगतिपूर्ण सेवा शर्तों से अध्यापक संवर्ग नाराज है। मध्य प्रदेश शिक्षक अध्यापक बड़ी खबर है। कर्मचारी कनौति के लिए 4 साल से कर रहे हैं इंतजार। 1994 वाला मृत शिक्षक कैडर पुनर्जीवित कर पुराना शिक्षक चाहिए था, उसके स्थान पर RSS दे दिया है। उसमें भी 2018 में इसकी नियुक्ति की गई है, जिससे जो कि 22 साल की सेवा बहुत शून्य हो गई। विस्तार जानेंगे दोस्तों, आप लास्ट देखो और इस पर अपने विचार लिखें। वीडियो शुरू करते हैं, लाइट शुरू। दोस्तों, प्रदेश के करीब 2.5 लाख अध्यापकों की सेवा के करीब 22 साल शून्य हो गए हैं। राज्य शिक्षा सेवा में अध्यापकों की नियुक्ति 2018 में मानी जाएगी। इसके विरोध में शिक्षक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। पुरानी पेंशन बहाली संघ न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ के राष्ट्रीय संयोजक जनक सिंह रावत का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जुलाई 2018 से अध्यापक संवर्ग को स्कूल शिक्षा विभाग में सम्मिलन की घोषणा की थी। इसमें सम्मिलन कर समान पदनाम व वेतन दिया जाना था, लेकिन विभाग के अफसरों ने गुमराह कर अध्यापक संवर्ग के सम्मिलन को जुलाई 2018 से शिक्षा विभाग के स्थान पर एक नया कैडर राज्य शिक्षा सेवा में नवीन नियुक्ति प्रदान कर दी, जिससे प्रदेश के 2,37,000 अध्यापकों की करीब 22 वर्षों की सेवा शून्य हो गई है। उनकी वरिष्ठता, पदोन्नति, क्रमोन्नति, ग्रेजुटी, परिवार, पेंशन इत्यादि सेवा लाभों से भी वंचित कर दिया गया है। रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार अध्यापक संवर्ग का शिक्षा विभाग में सम्मिलन होता तो समस्त अध्यापक संवर्ग को नियमित शिक्षक संवर्ग के समान सभी शासकीय सेवा शर्तों का लाभ प्राप्त होता, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने मूल शिक्षा विभाग के वर्ष 1994 में मृत शिक्षक संवर्ग के कैडर को पुनर्जीवित करने के स्थान पर नए राज्य शिक्षा सेवा कैडर में सम्मिलन के स्थान पर नियुक्ति कर दी। इससे अध्यापक संवर्ग को जुलाई 2018 से नए सिरे से नियुक्ति मानी गई। इसके फलस्वरूप प्रदेश के समस्त अध्यापक की पूर्व की गई सेवा अनुसार शासकीय लाभों को प्राप्त करने के लिए दर दर की ठोकरें खाने के मजबूर हैं। राज्य शिक्षा सेवा की विसंगतिपूर्ण सेवा शर्तों नियुक्ति के स्थान पर सम्मिलन करने व प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता को शून्य कर दिया गया है और 2018 से नवीन नियुक्ति मानी गई है। नवीन नियुक्ति मानी गई है, इससे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में हो गया। माननीय मुख्यमंत्री की कथनी और करनी का फर्क आज कर्मचारी जान रहे हैं। संगठन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करता है कि इसकी नियुक्ति को हटाकर सम्मिलन किया जाए। तो दोस्तों, इस पर अपने विचार लिखें, जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।